जमामो में चल रहे 9 दिवसीय यज्ञ में भाग लेने पहुंचे बिहार के मंत्री, सर्व शांति की किए कामना। बिहार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए शुक्रवार को जमामो पहुंचे। इस दौरान उन्हें बुक्के देकर समाज सेवी निरंजन राय द्वारा स्वागत किया गया। मंत्री मंदिर में पहुंचने के पश्चात मंत्री सुमित सिंह ने माता के आगे अपना माथा टेककर आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात कार्यक्रम प्रमुख संरक्षण निरंजन राय ने मंत्री सुमित सिंह व उनके कार्यकर्ताओं को भगवा गमछा पहनाकर सम्मानित किया। श्री सिंह ने कहा कि झारखंड व बिहार के बीच सौहार्दपूर्ण से बना रहे, जमामो माता के कृपा से हमेशा खुशहाल व सौहार्द सदा बना रहे। जमामो माता मंदिर के चारों तरफ उनके द्वारा भ्रमण कर भव्य पूजा का अवलोकन किया गया। साथ ही जमामो माता के पिंड व आसपास के देवी देवताओं के मंदिर के सामने माथा टेकते हुए सर्व शांति की कामना भी की। वहीं राधा कृष्ण की अद्भुत व अलौकिक प्रतिमा को देखकर काफी खुश हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जमामो माता का मंदिर प्रकृति की गोद में बसा बहुत ही खूबसूरत स्थान है। उन्होंने बताया कि वह माता जमामो के मंदिर पहली बार पहुंचे हैं। यहां पहुंचने से उनका मन भक्तिमय हो गया। साथ ही उन्होंने बताया कि इस बार जदयू महागठबंधन से बिहार झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में चुनाव लड़ेगी। मौके पर जदयू के वरिष्ठ नेता लाल बाबू, राजीव रंजन पांडे, रंजीत कुमार, राजेश कुमार, पूजा समिति के रामचंद्र यादव, खोरी महुआ अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र सिंह, थाना प्रभारी प्रदीप कुमार, कन्हैया सिंह, पिंकेश सिंह, रामचंद्र ठाकुर, अनिल कुमार यादव, प्रमोद कुमार यादव, रवि राय, ब्रह्मदेव राम, संत राय समेत कई लोग उपस्थित थे। निरंजन भाई जो यहाँ पे अभी पूजा पाठ करवा रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं, उनके आमंत्रण पे यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं। हमारे सारे सहयोगी, हमारे सभी साथी लोग सब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और हमारे चकाई से वरिष्ठ जदयू के वरिष्ठ नेता श्री लाल बाबू हैं, राजीव रंजन पांडे जी, युवा साथी मिथिलेश राय जी, रंजीत राय जी हैं, राजेश जी हैं, हम लोग सब लोग यहाँ इसी माँ के दर्शन के लिए भी आए हैं और यह कामना करने के लिए आए हैं कि माँ का ये आशीर्वाद हम लोगों पे हमेशा बना रहे, यहाँ के लोगों पे बना रहे, ताकि बिहार झारखंड के बीच में जो सौहार्दपूर्ण माहौल बना हुआ है वो माहौल सदैव बना रहे। पूरा देश में इतना दूध अभिषेक नहीं होता होगा जितना यहाँ होता है। और हम राय धनवार विधानसभा नहीं, कोडरमा लोकसभा का तो यहाँ पर इतनी आस्था है कि सुते उठते जागते तो माता का ही नाम लेते हैं। और हम तो खास करके हम यहीं का, हमारे पूर्वज से ही इन्हीं का पूरा भक्त हैं। और 2017 में जग हुआ था और आज फिर 2023 में जग 26 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो चुका है और 4 मई 2023 को पूर्ण होती है। और सभी भक्तगण से अपील है कि जिन्हें भक्ति का श्रद्धा है वो आवें और माता का दर्शन करें। और ख्याति प्राप्त सुश्री कृष्ण प्रिया जी।